पत्नी, मैं अपने पुराने कपड़े दान कर दूं क्या? पति, नहीं, फेंक दे, क्या दान करना? पत्नी, नहीं जी, दुनिया में बहुत से गरीब और भूखे प्यासे औरतें हैं, किसी के काम आ जाएंगे। पति, तेरे साइज के कपड़े जिसे आ जाएंगे वह क्या भूखे प्यासे होगी? दो औरतें आपस में बातें कर रही थी। पहली बोली, पता है अपने गांव के सरपंच कोमा में चले गए हैं। दूसरी बोली, हाँ बहन, पैसे वाले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। एक मकान मालिक ने अपने मकान पर एक बोर्ड लगवाया, मकान खाली है, नीचे लिखवाया, केवल वही संपर्क करें जिनके बाल बचे ना हो। 2-3 दिन बाद एक छोटा सा मासूम बच्चा मकान मालिक के पास आया और बड़े प्यार से बोला, अंकल, आपका मकान खाली है? मकान मालिक मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, खाली है। बच्चा, मेहरबानी करके ये मकान आप मुझे किराए पर दे दें, मेरा कोई बच्चा नहीं है, केवल माँ बाप ही हैं। पीएम भी कुंवारा, सीएम भी कुंवारा, टाटा भी कुंवारा, बाटा भी कुंवारा, कलाम भी कुंवार है, सलमान भी कुंवार है, राहुल भी कुंवार है, योगी भी कुंवार है, और तो और बाबा रामदेव भी कुंवार है। निगाहें अब उस हरामखोर को ढूंढ रही है जिसने यह कहा था कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। उस बेवकूफ़ आदमी के चक्कर में हमने भी शादी कर ली है। शिक्षिका, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का एक उदाहरण मैं देती हूँ, फिर एक तुम देना। मैं सुंदर थी, हूँ और रहूँगी। विद्यार्थी, आपको वहम था, है और रहेगा। पति ने पत्नी से बोला, पिछले महीने जो पैसे दिए थे उसका हिसाब दो। पत्नी ने हिसाब दिया और बीच बीच में लिखा, 2,000 रुपया भाजा की ग, 500 रुपया भाजा की ग, 700 रुपया भाजा की ग, 100 रुपया भाजा की ग। पति का सिर चकराया तो उसने पूछा, ये भाजा की ग क्या है? पत्नी, भगवान जाने किधर गए।